हेलो गाइस, मेरा नाम है पल्लव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूं वन प्लस का बुलेट वैलेट जेड ईयरफोन्स को। ये ईयरफोन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे 1999 रुपीस पे अवेलेबल हैं और ये ईयरफोन 3 कलर वेरिएंट में आता है, ब्लू, रेड और एक ब्लैक। आज मैं ब्लैक वेरिएंट का रिव्यू करने वाला हूँ। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इज़ एक्सेलेंट। इसमें जो रबर और जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो बहुत ही प्रीमियम फील देता है और ये ईयरफोन बहुत ही लाइट वेट है। आजकल ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स का काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे चल रहा है, पर अगर आप भीड़ बस और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा आउटडोर यूसेज करते हैं, तो ये नेक बैंड टाइप का ईयरफोन्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। अब आते हैं बटन्स एंड पोर्ट्स की तरफ। इस तरफ है वन प्लस का ब्रांडिंग, एक एलईडी इंडिकेटर और एक क्विक स्विच का बटन। अगर मान लीजिए आपका ईयरफोन दोनों डिवाइस में कनेक्टेड है, तो इस बटन को प्रेस करते ही आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बहुत ही इजीली स्विच कर सकते हैं। और दोस्तों, इधर आपको USB-C का एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जो एक्चुअल में वन प्लस का वर्क चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे आप अगर 10 मिनट चार्ज करते ही आपका फ़ोन 10 घंटे के लिए म्यूज़िक प्लेबैक दे सकता है। इस तरफ आपको देखने मिलेगा एक वॉल्यूम रॉकर प्लस माइनस और एक मल्टी फंक्शनल की, जिससे आप कॉल कट और रिसीव कर सकते। इस ईयरफोन के ईयर टिप्स में आपको एक्चुअल में मैग्नेटिक कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अभी आते हैं दूसरे साइड पे। इस साइड पूरा एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी बटन्स या पोर्ट्स नहीं हैं। इस ईयरफोन के ईयर टिप्स में आपको एक क्विक स्विच देखने को मिलता है। इसको खोलने से ही आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली पेयर्ड हो जाता है और बंद करते ही ऑटोमेटिकली अनपेयर हो जाता है और हेडफोन्स टर्न ऑफ हो जाता है। अगर कान में फिटिंग के बारे में बात करें, तो ये हेडफोन बहुत ही अच्छे से आपके कान में फिट हो जाएगा। फिटिंग में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी इस हेडफोन का बहुत ही अच्छा है। मिड बोलूँ तो बहुत ही अच्छा है, जो लोअर्स जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है। जो बेस वगैरह आपको देखने को मिलता है वो ओके टाइप सा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत भी ज़्यादा लो भी नहीं है। पर ट्रबल्स भी ठीक ही हैं इस हेडफोन में। ओवरऑल आपको एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये ईयरफोन ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करता है, जो लो लेटेंसी फीचर्स के साथ आता है, और ये IP55 डस्ट रेजिस्टेंट है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ही ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे।